Hey, what's up guys, this is Abhishek। आज की इस वीडियो में लेके आप लोगों के लिए बिना टोन का यहाँ पे एक बोल सकते हैं फ्रेंड्स वाईफाई डिवाइस, यहाँ पे मतलब पॉकेट डिवाइस, पॉकेट वाईफाई कह सकते हैं यहाँ पे, इसका ही अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। जो कि अगर आपके पास समझो वाईफाई का रेंज नहीं है बट आप लोगों को एक पॉकेट वाईफाई चाहिए जो कि स्पीड अच्छा खासा दे दे और एक हॉटस्पॉट तरीके से काम करे, तो अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से डिवाइस चाहिए तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में यही लेके आप लोगों के लिए इसका ही अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू और क्या प्राइसिंग पे आता है, क्या आप लोगों को लेना चाहिए फिर नहीं, सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को नहीं देखा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स ये है बिना टोन का यहाँ पे एयरलिंक 4G मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पे डिवाइस कह सकते हैं, कंपैटिबल विद 2G 3G 4G करके यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो कनेक्ट अप टू 10 वाईफाई डिवाइसेस एनीवेयर, एंजॉय 4G इवन ऑन नॉन 4G डिवाइसेस। यहाँ पे मतलब स्पीड उस तरीके से दे देगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 4G तक का स्पीड देगा। और UK वेंचर यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इंसर्ट द सिम टर्न ऑन द डिवाइस क्रिएट अ 4G हॉटस्पॉट्स ऑफ एनीवेयर, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ पे अप टू 150 Mbps का इंटरनेट का हाई स्पीड दे देगा यहाँ पे, कंटिन्यूस यूसेज 2700 mAh का बैटरी बैकअप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आता है, कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाईफाई डिवाइस, स्मार्ट टीवीज, लैपटॉप, टैबलेट, फोन्स, वाईफाई पे, कैमराज पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए कुछ इस तरीके से मॉडल नंबर देख लीजिए यहाँ पे, BMF 423 यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है, मेड इन इंडिया का यहाँ पे ब्रांडिंग के साथ आता है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पैकेजिंग देखने को मिलता है, ये यहाँ पे देख लीजिए साथ में ये, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा यहाँ पे ये पॉकेट वाईफाई। और एक चीज़ बता दो, बहुत ही लाइट वेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एकदम हल्का है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। बिना टोन का ब्रांडिंग है, वाइट कलर का आता है, पावर बटन देखने को मिलता है और यहाँ पे ग्रेडियंट या ग्रे फिनिश यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखेंगे तो WPS बटन यहाँ पे देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे USB पोर्ट चार्जिंग के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और ये यहाँ पे पीछे की तरफ बिना टोन का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्प्ले जिसमें आप लोगों को अब बोल सकते हो फ्रेंड्स इंडिकेटर देखने को मिलता है, नेटवर्क का, बैटरी, मैसेजेस, और यहाँ पे हॉटस्पॉट का, वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिमूवेबल के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे आप सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो मेमोरी स्टोरेज भी देखने को मिलता है। और नीचे देखेंगे तो यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड नेम एडमिन, IP एड्रेस 192.168.0.1 पे आप लोग को जाना, यूज़र नेम एडमिन डाल के पासवर्ड भी अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सिंपली सिम कार्ड डालना है आप लोगों को, और मेमोरी कार्ड अगर डालना है तो डालना, वरना कोई बात नहीं मेमोरी कार्ड की, बस सिम कार्ड डालो और हॉटस्पॉट होना। तो किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपली ये जो बैटरी है उसको, और एक्सेसरीज़ की भी यहाँ पे बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्राउज़र कैपेबिलिटी, रिमोट, यहाँ पे ये पूरा एक यूज़र मैनुअल टाइप में देखने को मिलता है पॉकेट मिनी वाईफाई का। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आता है, और साथ में देखेंगे तो ये यहाँ पे USB केबल इसको चार्ज करने के लिए, और ये यहाँ पे इसका बैटरी देखने को मिलता है। इसको मैं रिमूव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से 2700 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी है। तो सिंपली आप लोगों को बस क्या करना है, ये जो बैटरी है इसको आप लोगों को इसमें इंसर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पावर ऑन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए चार्जिंग के दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये चार्जिंग फिलहाल के लिए फुल है, यहाँ पे कोई भी सिम कार्ड इंसर्टेड नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नेटवर्क का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैसेजेस का, और यहाँ पे वाईफाई का हॉटस्पॉट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप कोई भी सिम कार्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये एक हॉटस्पॉट यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ताकि आप लोगों को जो भी मल्टीपल डिवाइसेस से अप टू 10 डिवाइसेस यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मी वाईफाई करके आ रहा है, यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए ये जो आ रहा है यही है हमारा बिना टोन का यहाँ पे हॉस्ट। यहाँ पे जो वाईफाई नेम है मी वाईफाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और वाईफाई का जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और आप लोगों को जैसे कि चेंज करना होगा पासवर्ड, तो आप लोगों को ये IP एड्रेस डाल के, यूज़र नेम एडमिन डाल के, उसके बाद आप लोग यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिना टोन का हॉटस्पॉट वाईफाई सिंपली 10 डिवाइसेस, और स्पीड भी अच्छा खासा देता है, और इसका मैंने रिव्यूज़ भी पढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्पीड प्रोवाइड करता है यहाँ पे, और मल्टीपल डिवाइस आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्पेशली विलेजेस एरिया में जहाँ पे स्पीड का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे भी आप इसे यूज़ करके फ्रेंड्स यहाँ पे
स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मोबाइल नेटवर्क्स की जो स्पीड मिलती है। सिम कार्ड वही रहेगा फ्रेंड्स, प्लान भी वही रहेगा, बट ये यहाँ पे स्पीड को और ज़्यादा एम्पलीफाई फिर और भी ज़्यादा फास्ट करके आप लोगों को देगा और मल्टीपल डिवाइसेस आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बता दिया, ये जो देख सकते हैं मी वाईफाई है, इस पर आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बस डालना है और ये कनेक्ट कर लेना। और ये यहाँ पे देख लीजिए कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स काम करता है बिना टोन का यहाँ पे ये ऑल डिवाइस या फिर बोल सकते हैं वाईफाई यहाँ पे पॉकेट वाईफाई यहाँ पे डिवाइस। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सिम कार्ड डाल सकते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है वो डालिए आप लोगों को। और देयर यू गो, पॉकेट डिवाइस, पॉकेट वाईफाई की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बने टेक्निक चैनल के साथ। बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।